कलिंग नगर के आठ रो आराध्य देवता बाबा कुशलेश्वर मंदिर प्रांगण में शैव परंपरा अनुसार देवदंपति शिव पार्वती लौकिक विवाह और शीतलष्ठी उत्सव तीन दिन धरी धूमधाम पालित हो जाए। ए उत्सव में समस्त कॉलोनीवासी और आखपाख अंचल बहु श्रद्धा सामिल हो अपार आनंद सहित प्रभु कृपा लाभ करते। उत्सव प्रथम दिन मंदिर घट शोभायात्रा उभय बरपिता श्रीजुक्त अतुल चंद्र महांती और कन्यापिता श्रीजुक्त विष्णुचरण राय घर को जाते। मंदिर कमिटर सदस्य कीर्तन मंडली कॉलोनीवासी शोभायात्रा रे सामिल होते। मंदिर रे बाबा नूतन बेश और मंदिर को फूलहार और आलोकमाला साजसज्जा कर बाबा कुशलेश्वर को राजाधिराज बेश सज्जित कर ओ यही मनोरम दृश्य को दर्शन करी श्रद्धालु माने निजकु धन्य मणिथिले। आमर प्रतिवर्ष ए मंदिर होची एक भव्य मंदिर अनन्य मंदिर भुवनेश्वर मंदिर मालिनी सह भुवनेश्वर एठी जो प्रकार बाबांकर जो रीतिनीति जो पूजा पार्वण सब ठीक भाव सुचारू भाव चली आमर नीतिकांति एत सुंदर जहाँकि आखपाख दशखंड एठिकार कलिंग नगर बा घाटिकिया सांपुर आपणकर नुआगा सब सब गाँव लोक मैंने आसती बहुत मु कन्या पक्षर कन्या माता हिसाब से कन्या बहुत कार्य करमर सका मंदिर माँ को बाबा सब नीति नियम है जमी सब हुए सब प्रकार मंदिर बहुत भल सजा गोटे समस्ते गोटे बहुत भल मान फिलिंगस आसूची मुझे निजक एत भाग्यवान मन करुच्ची मानने को जन्मर के पुण्य थिला बोधे मानते मतलब यहाँ करने को मिलला। श्रीक्षेत्र से ही 1200 शताब्दी परंपरा को पाथेय करी समस्त नीति निर्घंट और विधि अनुसार बरजात्री माने बाजा बाण रोशनी सहित पाट पटुआर कन्याघर को यात्रा करते। प्राय 200 रु ऊर्ध बरजात्री माने नाच गीत और बाजार ताले ताले विभिन्न नृत्य प्रदर्शन करते। बरजात्री दल को पुष्प चंदन उत्तरीय और पादधौत कर सादरे पाछटी नहीं कन्या पिता बरजात्री मानू कन्याघर लोक मैंने अतिथि सत्कार प्रदान करते। संध्या समय रे मंदिर मुखशाला मध्य देवदंपति विवाह कार्य संपन्न होता। समस्त नीतिकांति मध्य चलती प्रतिमा स्नान वस्त्र परिधान परे उभय बरपिता और कन्यापिता उपस्थित विवाह कार्य संपादित होता। हरिबोल हुळहुळी रे गगन पवन प्रकंपित हो उठी ए पवित्र हस्तगंठी और विवाह बंधन देखापी बहु पुरुष महिला श्रद्धालु उपस्थित होते। शीतल षष्ठी एवं शिव विवाह उत्सव अनुष्ठित होमें आर वर्ष ठार् प्रथम करी आमर ये मंदिर आरंभ कर श्री श्री कुशलेश्वर मंदिर आज शिव विवाह एवं शीतल षष्ठी तापर दिन अनुष्ठित हो। प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।